तो हजु बे दिवस दक्षिण गुजरात माटे भारी वलसाड अने नवसारी में भारी वरसाद की शक्यता है। अन्य जिलाओं में पण सामान्य वरसाद की आगाही है। आगामी दिवसों में वरसाद चौथो राउंड शुरू थशे। हजु बे दिवस दक्षिण गुजरात माटे भारे छे, साथ ही वलसाड अने नवसारी में भारी वरसाद की शक्यता व्यक्त करवामां आवी छे। साथ ही अन्य जे जिलाओ छे त्यां पण सामान्य वरसाद पड़शे तेवी आगाही करवामां आवी छे। हजु पण बे दिवस दक्षिण गुजरात माटे भारे छे, कारण के दक्षिण गुजरात में वरसाद पड़शे, तेमां पण वलसाड छे अने नवसारी छे, आ बे जे जिलाओ छे त्यां भारी वरसाद की शक्यता व्यक्त करवामां आवी छे। साथ ही अन्य जे जिलाओ छे त्यां सामान्य वरसाद पड़शे। चौबीस कलाक में 136 तालुका में वरसाद, 25 तालुका में 1 इंच थी वधु वरसाद पड़ो है। वरसाद खाबक्यो भिलोड़ा और धरमपुर में 3.5 इंच वरसाद पड़ो है। कपराड़ा, वापी, खेरगाम और पारड़ी में 3 इंच वरसाद, टंकारा, उमरगाम, गणदेवी, वास्ता में 2 इंच वरसाद खाबक्यो है। तो 25 तालुका एवा छे कि ज्यां 1 इंचथी वधु वरसाद पड्यो छे। 24 कलाकमां 136 तालुकामां वरसाद थयो छे, साथे ज कपराड़ा छे, वापी छे, खेरगाम छे अने पारडीमां 3 इंच जेटलो वरसाद खाबक्यो छे। टंकारा, उमरगाम, गणदेवी, वास्तामां वरसाद छेल्ला 24 कलाकमां 136 एवा तालुकाओ छे कि ज्यां वरसाद पड्यो छे। तो भिलोड़ा अने धरमपुर में 3.5 इंच जेटलो वरसाद पड़ो है। जानकारी साथे संवाददाता विभू पटेल जोड़ाई गया छे। विभू, छेल्ला 24 कलाक में 136 तालुका में वरसाद थयो छे, शुं अपडेट? प्रीति, अत्यारे हवामान विभाग द्वारा जे आगाही કરવામાં આવી છે કે વરસાદી જે સિસ્ટમ હતી એ નબળી પડી ગઈ છે, પરંતુ તેમ છતાં પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ રહેશે। તો નવસારી અને વલસાડ જિલ્લો છે કે જ્યાં અમુક ભાગોમાં ભારે વરસાદ રહેવાની પણ શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। આગામી 48 કલાક નવસારી અને વલસાડના જે અમુક ભાગ છે કે ત્યાં ભારે વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે। તો આજે અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર સહિતના જે જિલ્લાઓ છે, સાથે સૌરાષ્ટ્રમાં પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, રાજકોટ, બોટાદ, આ તમામ જિલ્લાઓ છે કે ત્યાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, કારણ કે હજુ પણ ભેજનું પ્રમાણ તો યથાવત છે, સાથે જ એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય છે અને તેના કારણે જ વરસાદી માહોલ છે તે જળવાઈ રહેશે। बिल्कुल विभू, आभार आपनो जानकारी माटे।